Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's vlog is gonna be another productive study vlog where I will be managing my both school and coaching schedule. So without any further ado, let's get into today's vlog. Okay everyone, so this one video starts from 24th of April and right now I'm gonna show you all the clips after my school. So let's go. Okay everyone, so here I'm back from my school and the time is right now 3:50. So it's been 50 minutes जब मैं अपने स्कूल से वापस आ गई थी एंड देन आई हैड वाटरमेलन एंड उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था. आई स्क्रोल्ड माई फोन एंड देन आई थॉट कि अब मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है. बट मैं यूजुअली जो अभी तक दिन थे रेगुलर स्कूल के उसमें मैं अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करती थी. आई यूजुअली स्टार्ट स्टडिंग अराउंड 7 or 6 o'clock बट वो काफ़ी लेट हो जाता था एंड इट्स नॉट रियली प्रोडक्टिव. तो मैं सोचा कि आई हैव टू बी प्रोडक्टिव, दैट्स व्हाई मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई थी स्कूल के अंदर ही. सो हियर I'm gonna show you all the list which I had made. तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा कि मेरे को स्कूल से आके क्या क्या करना है, सो दैट आई हैड अ क्लियर प्लान कि हाँ मुझे ये तो करना ही है. पूरा कंप्लीट ना हो ओके, बट वी आई हैव टू ट्राई टू लाइक आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए. सो गाइस बेसिकली जो डायरी है आई हैडन्ट शोन यू ऑल, लाइक मैंने अभी किसी वीडियो में आपको दिखाई नहीं थी. एक्चुअली मैंने आज सुबह ही बनाई थी. सुबह मैं मॉर्निंग में स्टडी करने के लिए उठी थी. सो मैं थोड़ी के लिए फिजिक्स पढ़ा था बट देन मेरे को ना मन नहीं करा था पढ़ने का. सो मैंने सोचा कि आई हैड टू मेक अ टू डू लिस्ट वाली डायरी बिकॉज आई डोंट हैव वन. तो मैंने ये बनाई थी भाई, ये बहुत ही टेम्परेरी सी है बट ये स्टिल इट लुक्स क्यूट. तो लेट मी शो यू ऑल इट व्हाट ऑल आई हैव रिटन इन इट. तो ये टू डू लिस्ट मैंने अभी फिलहाल के लिए बनाई है. आई नो कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा बट स्टिल लेट मी गो थ्रू दिस वन. सबसे पहले मैंने बायो का चैप्टर 1 का लेक्चर देखना है बिकॉज इट्स कंप्लीटेड इन माय स्कूल. तो मेरे को एक और बार फिर से रिव्यू लेना है बिकॉज उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ाया था. आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड विद दैट. फिजिकल का मॉड्यूल के न्यूमेरिकल्स मुझे प्रैक्टिस करना है, ये मैंने एज अ बैकअप रखा है. एंड मेरे को पीडीएफ बनानी है आप लोगों के लिए जो कि नोट्स का पीडीएफ रहता है एंड एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करनी थी. एंड देन केमिस्ट्री का मेरे को मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी वाले टॉपिक को एक और बार गो थ्रू करना है. एंड देन ये हमारा स्कूल का होमवर्क है जो मेरे को मिला है. सो यू ऑल कैन सी नाउ लेट्स गेट इन टू द स्टडी. तो गाइज मैंने डिसाइड किया था कि जो भी मेरा स्कूल का रिलेटेड नोटबुक कंप्लीशन का काम होगा ना वो मैं रात को आराम से बैठ कर कर लूँगी क्योंकि उस वक्त हमें नींद आ रही होती है. तो ये नोटबुक कंप्लीशन का काम हम उस वक्त कर सकते हैं बट जब हमें फ्रेश फील हो रहा होता है ना तब हमें है ना कोई रिविजन करना चाहिए. तो मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ी सी फ्रेश फील कर रही हूँ सो आई विल बी डूइंग द रिविजन ऑफ एनी सब्जेक्ट जो भी मेरे को करना होगा. तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद बॉटनी. तो मैंने बॉटनी का जितना भी अभी तक हमें पढ़ाया था सारे नोट्स को रिवाइज किया एंड एक बार मैंने एनसीईआरटी को भी गो थ्रू कर लिया था, हर एक लाइन को पढ़ लिया था एंड देन मैंने मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. एंड देन गाइज इवनिंग में पढ़ने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर बिकॉज एक तो मेरे को अपनी ना पैट की टेक्स्ट बुक पूछनी थी मार्केट में कि उनके पास है या फिर नहीं. तो यहाँ पे मैं एक दो दुकानों पे गई थी बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास नहीं थी. एंड जब मैं वापस आ रही थी तब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूस पिया एंड ये था मौसमी का जूस. सो गाइज यहाँ पे मैं आपको जिस बिल्डिंग की क्लिप्स दिखा रही हूँ दिस इज माई ओल्ड स्कूल एंड मैंने इस स्कूल में ना सेकंड क्लास तक पढ़ा है. एंड लिटिल इसमें मैंने काफ़ी पिकनिक्स एंड एनुअल फंक्शंस भी अटेंड किए हैं. सो दिस स्कूल हैज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज इन इटसेल्फ. Hi everyone, so here I am back after searching my book that I needed. So देखो guys अभी time हो रहा है 7:45, it's about 8 PM. अब मैं क्या करने वाली हूँ, I will be going back to study क्योंकि देखो मैंने इतना time लगा दिया बाहर पर लेकिन मेरे को बुक ही नहीं मिली. लाइक हाँ मैंने 5:30 PM को हम बाहर निकल गए थे, हमें बुक चाहिए थी एंड देन वहाँ पर हमें लोकेशन में पहुँचते पहुँचते 15-20 मिनट लग जाते हैं. सो इट टुक अस अराउंड 20 मिनट्स एंड जब हम शॉप पर पहुँचे तो हमने उनको बताया तो उनके पास अनफॉर्चुनेटली नहीं थी बुक. बट हमें कोई लाइक हमें पता ही नहीं था कि उसके आसपास कोई बुक मिल जाएगी क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें वो एक शॉप मिली थी क्योंकि आसपास में ऐसे कोई एनसीईआरटी या फिर ऐसे स्पेसिफिक कोई बुक नहीं रहती है, हमें कहीं और जाना पड़ता दूसरी प्लेस पे. बट उसके पास में एक शॉप थी वो काफ़ी बड़ी भी थी और उस पर एनसीईआरटी वगैरह थी तो मैंने सोचा कि पूछ लेते हैं, ट्राई लेट्स ट्राई इट आउट. बट उन्होंने देखो उन्होंने ढूंढा बट उनके पास नहीं मिली एंड उन्होंने कहा कि एक दो तीन दिन में हम पूछ के बताते हैं, लाइक होगी तो हम बता देंगे. सो उन्होंने ऐसा बोला तो आई विल बी ट्राइंग, लाइक मैं दोबारा जाऊँगी वहाँ पर 2-3 दिन बाद एंड देखेंगे कि आई होगी या नहीं. बट फिलहाल के लिए अभी नहीं मिली है. आई हैव टू यूज़ अ PDF जो कि मैंने CBSE की वेबसाइट से निकाला था. सो उसको देख के मैं भी अपना वर्क कंप्लीट करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी थी एंड जो कि कल सर चेक करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं बट उन्होंने बोला था. सो येस आई हैव टू कम्प्लीट दैट. तो इतना टाइम पहले चला गया है सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर. एंड बायोलॉजी का भी मैं बहुत ही कम पढ़ पाई थी तो लेट्स गो. सबसे पहले तो नोटबुक कंप्लीट करते हैं एंड देन हम अपना पढ़ाई करेंगे. ओके एवरीवन, सो अभी मैं लैपटॉप पे फिलहाल के लिए अपनी वो फिजिकल एजुकेशन वाली PDF ओपन कर रही हूँ ताकि मैं अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकूँ. एंड तब तक ये ओपन हो रहा है आई विल बी मेकिंग द नोट्स PDF फॉर यू ऑल. लाइक आप लोगों ने कहा था 11th के नोट्स की PDF चाहिए आप लोगों को. सो अभी मैं वो PDF बनाने वाली हूँ. एंड गाइस देखो ये नोट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा डीप हैं बिकॉज हमारी नीट की प्रिपरेशन चल रही है तो हमारे कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा डीप नोट्स बनवाते हैं. तो अब देखो यही चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है एंड स्टिल ये जूलॉजी का चैप्टर है एनिमल टिश्यूज़ वाला जो कि चैप्टर हमारे नीट के अंदर आ रहा है.
तो इसके अभी तक इतने ज़्यादा पेजेस हो चुके हैं एंड लिटरली चैप्टर ही आधा कंप्लीट नहीं हुआ है। आई गेस आधा तो ऑलमोस्ट हो ही गया होगा बट आधे से ज़्यादा तो नहीं हुआ है आई एम श्योर। तो अभी इतने ज़्यादा पेजेस हो गए हैं, इट मीन्स इट्स गोन अभी वेरी डीप। सो डोंट टेल मी कि अभी तक पूरा चैप्टर के इतने लंबे आपके नोट्स बन गए हैं। मैं आपको रेफरेंस के लिए दे रही हूँ, अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक देखना हो तो आप देख सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल कि आप ये पूरा का पूरा ही नोट्स यूज़ कर लेना, क्योंकि आई नो ये दीज आर वेरी वेरी लॉन्ग नोट्स एंड स्कूल के लिए तो पक्का हेल्प नहीं करने वाले हैं, बिकॉज स्कूल में बस एनसीईआरटी को थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे चलेगा, बट नीट के लिए यू हैव टू गो इन टू डीप ऑफ द एनसीईआरटी एंड अंडरस्टैंड इट। तो ये नोट्स उस टाइप से हैं, इससे थोड़े से ज़्यादा ही लंबे हैं, बट शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली आई एम गोना मेक बिकॉज स्कूल एग्जाम्स भी देने हैं। सो फॉर नाउ आई एम गोना शेयर विद यू ऑल दीज, जब शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी तो आई विल बी गिविंग यू ऑल दैट टू। तो गाइस मैंने जल्दी से सारे की सारी पीडीएफ्स जो है वो रेडी की नोट्स की एंड उसके बाद मैं डिनर करने चली गई थी एंड व्हेन आई केम बैक इट वाज अ टाइम टू स्लीप। बट जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ ना कुछ कंप्लीट तो करना ही है एंड मेरे को नोटबुक कंप्लीट करनी थी ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा कि पैड का काफ़ी कम काम है एंड कंप्लीट तो वो भी करना ही है, तो मैंने सोचा लेट्स डू दिस वन थिंग। देखो मेरे पास केमिस्ट्री का भी है बट केमिस्ट्री के लिए हमारे पास मंडे तक का टाइम है, सो अभी फिलहाल के लिए मैं उसके लिए इतना प्रेशर नहीं ले रही हूँ, बट पैड का मेरे को कल ही दिखाना था सो इसलिए मैंने सोचा कि इसका कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जल्दी से अपनी पीडीएफ खोली एंड जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैं लैपटॉप में खोलने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप नहीं खुला एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके खुलने का वेट करूं, लाइक वो थोड़ा सा ना हैंग हो रहा था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था एंड एक तो मेरे को नींद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि फ़ोन में ही पीडीएफ खोल लेती हूं एंड देन मैं उसे जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूंगी एंड फिर मैं जाऊंगी सोने के लिए क्योंकि मेरे को कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ना भी है। तो गाइज लाइक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ माई शेड्यूल ऑफ द फुल वीक कि मेरे को 5 दिन तो है वो स्कूल जाना है रेगुलर स्कूल एंड जो बाकी जो वीकेंड बचता है 2 दिन बचते वीक के उस वक्त मेरे को कोचिंग जाना है एंड प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि इट्स बीन अ वेरी हेक्टिक, काफ़ी हेक्टिक हो रहा है पूरा वीक ना, पूरा का पूरा बिजी ही जा रहा है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि कोचिंग के साथ ना रेगुलर स्कूल काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो ना इसके बारे में तो मुझे पहले से ही पता था कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। जब मैं कोचिंग ज्वाइन करी थी या फिर जब मैंने स्कूल भी स्टार्ट किया था ना तो मुझे पता चल गया था कि भाई हेक्टिक तो बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि पूरा वीक बिजी जाएगा एंड फिर छुट्टी तो कोई होगी नहीं, वो अलग बात है अगर कोई स्कूल जो है वीक में छुट्टी दे देता है देन इट्स अ रियली गुड थिंग, मेरे को ब्रेक मिल जाएगा। बट देखो जब ज्यादा हेक्टिक होने लगेगा तो मैं स्कूल से ना ब्रेक ले लिया करूंगी, आई विल बी टेकिंग हॉलीडेज इन बिटवीन। तो गाइज ये जो मैं आपको वीडियो की क्लिप दिखा रही हूँ ये मेरी मॉर्निंग की क्लिप है नेक्स्ट डे वाली 25th की, तो यहाँ पे मैंने अपना केमिस्ट्री का काम करी थी, लाइक केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हमें सॉल्व करने थे, सो हियर आई वाज सॉल्विंग दैट न्यूमेरिकल्स। नाउ गाइज इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस इन माई कोचिंग एज वेल एज स्कूल, देखो स्कूल का जो एक्सपीरियंस होता है वो तो वैसे ही रहता है जैसे होता है, लाइक कुछ टीचर्स अच्छा पढ़ाती है तो उनका समझ आ जाता है, प्लस कुछ टीचर थोड़ा सा लीनियंट सा पढ़ाती है तो उनका समझ नहीं भी आता है बाय चांस, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि किसको कितना समझ आ रहा है। बट अगर मैं बात करूँ कोचिंग की तो कोचिंग में सारे टीचर्स का मुझे अच्छे से समझ आ रहा है एंड इट्स रियली बीन अ गुड एक्सपीरियंस टिल नाउ। तो गाइज बेसिकली मैं नेक्स्ट 2 डेज ना काफ़ी ज़्यादा बिजी थे तो मेरे पास कोई भी स्टडी क्लिप्स नहीं थी एज सच, तो मैं को एक बार आपको शेड्यूल बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था एंड प्लस मेरे बैकलॉग्स कितने हैं। तो सबसे पहले तो ये 26th of April की मॉर्निंग की क्लिप्स है जहाँ पर मैं सुबह जल्दी पढ़ने उठी थी एंड मैंने पढ़ी थी बायोलॉजी, क्योंकि हमारे स्कूल का जो है ना 1st and 2nd चैप्टर चल रहे हैं जो कि हमारे कोचिंग में नहीं चल रहे, तो उसको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को फिलहाल के लिए ना स्कूल में बायोलॉजी समझ नहीं आ रही है, सो डैट्स वाई मैं घर पे आके बायोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ ताकि मेरे को जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से समझ आ जाएं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैकलॉग्स, तो मेरे जो बैकलॉग्स हैं वो रिविजन वाले पार्ट में है एंड मोस्टली रिविजन वाला पार्ट मेरा ना जूलॉजी का पेंडिंग है, तो जूलॉजी का जितना भी पढ़ा रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ना पाइलअप हो चुका है जो कि मेरे को अभी तक रिवाइज भी करना है, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू रिवाइज इन दैट। प्लस मेरा जो बॉटनी का है वो तो साथ साथ चल रहा है, रिविजन साथ साथ हो रही है एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ साथ चल रहे हैं, बस जो जूलॉजी है उसका थोड़ा सा रिवीजन का बैकलॉग मेरे पास है जो कि मुझे कवर अप करना है। तो गाइस दीज आर द क्लिप्स ऑफ द नेक्स्ट डे दैट इज 27th of April एंड आज मेरा स्कूल नहीं बट आज मेरी कोचिंग है, तो आज मैं फिर से उठी थी सुबह जल्दी बिकॉज अभी देखो मेरा डेली का शेड्यूल यही बन गया है कि मेरे को सुबह उठ के ना मोस्टली पढ़ना ही पढ़ना है, तो अभी मैं सुबह उठी थी पर बेड जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, सो जब से पहले जो मुझे काम मिला ना सुबह उठते ही वो था कि सबसे पहले मैं अपना बेड क्लीन करूँगी ताकि थोड़ा सा मैं आराम से बैठ के पढ़ सकूँ, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी टेबल क्लीन आउट की एंड उसके बाद जो बेड पे सारी चीज़ें बिखरी हुई थी मैंने उनको समेटना स्टार्ट कर दिया था। ओके एवरीवन, सो एवरीथिंग इज क्लीन राइट नाउ, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है बेड। सो अभी एक बार मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, व्हाट्स द टाइम,
सो इट्स 5:26 AM इन द मॉर्निंग. तो अभी देखो मैं फिलहाल के लिए फिजिक्स पढ़ रही थी बिकॉज मेरे को ना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने थे. एंड मैंने ये डिसाइड किया कि इसमें फर्स्ट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, लाइक जितने भी सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाली हूँ, लिटरली जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, सो आई विल बी सॉल्विंग ईच वन ऑफ देम ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए मेरे को. एंड अभी देखो टाइम जो है वो हो चुका है एंड आई हैव टू गेट रेडी टू फॉर माई कोचिंग. सब कुछ स्टडी वगैरह भी करना है. बैग तो मैंने पैक कर लिया है बट स्टिल मेरे को काफ़ी और चीज़ें करनी है. वाटर बॉटल भी भरनी है, बहुत अलग अलग काम होते हैं. सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल बी गोइंग एंड गेटिंग रेडी एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है सो आई विल बी गेटिंग बैक टू माई स्टडी. लाइक थोड़ा सा पढ़ लेंगे वरना फिर चलेंगे कोचिंग पे. सो लेट्स गो. सो सिंस टुडे इज माई कोचिंग तो आज नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करवाएंगे सर. वैसे तो सर ने ना बेसिक मैथमेटिक्स वाला टॉपिक पहले ही स्टार्ट करवा दिया है तो मैंने सोचा कि ये जो पूरे जो पिछला वाला चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर उसका बैकलॉग ना रहे एंड उसके न्यूमेरिकल्स को मैं ना साथ साथ सॉल्व करती रहूँ. उसके लिए मेरे को सारे फार्मूलाज ना लर्न होनी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने सारे फार्मूलाज एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसेप्ट को एक बार गो थ्रू कर लिया. मैंने पूरा अपने नोट्स को पढ़ लिया ताकि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बैठूँ तो वो अच्छे से आराम से सॉल्व हो जाए. तो गाइस फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया कोचिंग में एंड अभी हमने बेसिक मैथमेटिक्स शुरू की हुई है. डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक चल रहा है तो मैंने ये डिसाइड किया है ना कि उसके साथ साथ मेरे को ना फर्स्ट चैप्टर के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सारे क्वेश्चन करूँ. एंड स्टिल गाइज मेरे को अभी आपको काफी ज्यादा अपडेट्स देनी है सो डू वेट फॉर दैट बिकॉज आई विल बी शेयरिंग इट इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट. आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.